कल यूएस का जो जीडीपी के नंबर्स आए वो काफी बेहतर आए। सारे इकोनॉमिस्ट जो थे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे लगभग वो 2.3% के आसपास होना चाहिए, वो चढ़ के 2.6% आया, जिसका सीधा इम्पैक्ट हमने देखा डॉलर इंडेक्स पे। डॉलर इंडेक्स में एक रिकवरी आई, उसकी उसी के साथ यूएस ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड में भी काफी अच्छा मोमेंटम था, तो जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमको कॉमेक्स मार्केट पे देखने मिला। कॉमेक्स में सिल्वर और गोल्ड में काफी दबाव रहा, 2 दिन से लगभग गोल्ड और सिल्वर नीचे की तरफ फिसल रहे हैं और जो की सपोर्ट है वहां पर आके खड़े हैं। अगर हम गोल्ड की स्पेसिफिकली बात करें, गोल्ड का जो सपोर्ट लेवल है वो $1,300 के आसपास है और सिल्वर का जो है वो लगभग 15.40 से लेके $15.20 के आसपास है। तो मुझे लग रहा है फिलहाल के लिए गोल्ड और सिल्वर एक प्रेशर में ट्रेड होगा, क्योंकि हो सकता है जो फेड का डोविश स्टैंस था वो आने वाले दिनों में ना हो और उसी का इम्पैक्ट हमको प्रेशियस मेटल्स में देखने मिला है। साथ ही में हम देखने जाए तो जो इम्पैक्ट रहेगा चाइना और यूएस के ट्रेड डील में, तो यहाँ पर भी अभी अनसर्टेनिटी है, यहाँ पर कोई क्लैरिटी नहीं है। कभी ऐसे स्टेटमेंट आते हैं कि पॉजिटिव चल रहा है और कभी ये स्टेटमेंट आता है कि हम लोग ये ट्रेड डील कैंसिल भी कर सकते हैं, जिसके चलते हुए यह मिक्स्ड बायस है। भारतीय वायदा बाजारों की बात करते हैं, कॉमेक्स मार्केट से क्यू लेते हुए गोल्ड और सिल्वर में यहाँ पर भी काफी मुनाफा वसूली देखने मिली। सिल्वर ने स्पेसिफिकली जो प्रीवियस स्विंग लो था वो तोड़ दिया है, तो मुझे लग रहा है सिल्वर का जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 38,750 का है और गोल्ड का जो सपोर्ट बन रहा है वो 32,500 के आसपास है। फिलहाल यहाँ पे बेस मेटल्स में थोड़ा मोमेंटम देखने मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है अगर ट्रेडर्स को पोजीशन बनानी है तो आज के लिए फिलहाल जो पोजीशन बनती है वो लेड में है। लेड में मैंने आपको कल भी पोजीशन बताई थी, मुझे लग रहा है आज भी यहाँ पर बायो एंड डिप्स की रणनीति अपनानी चाहिए। 925 के आसपास लेड को बाई कीजिए, 914 का स्टॉप लॉस रखिए, ऊपर की तरफ 940 के टारगेट के लिए।